बिहार सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण को पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राजद है जो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे हमारे साथ राजद के नेता है श्याम रजक जी। क्या कुछ कहेंगे सर पटना हाईकोर्ट के फैसले पे? हाईकोर्ट के फैसले पे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने अपने एडवोकेट को अच्छे ढंग से ब्रीफ नहीं किया, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जदयू के साथ रिश्ते अच्छे होने के बाद जो जातीय जनगणना तेजस्वी जी की मजबूती के साथ दबाव से वो कराने का काम किया गया, उसे नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अपने एडवोकेट के द्वारा मजबूती से रखने का काम नहीं किया, जिसके कारण जब अपना पक्ष नहीं रखिएगा तो कोर्ट को इस तरह का निर्णय देना पड़ा। ये सीधा सीधा हम बिहार सरकार नीतीश कुमार की ये कमियां हैं जिससे जातीय जनगणना के साथ एक बड़ा करार तमाचा लगा है। साथ ही थे नीतीश कुमार तो ये बढ़ाई गई थी आरक्षण को, तेजस्वी जी का दबाव था, हम लोग का दबाव था, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया जाता है। वो चले गए हैं, बदल लिए हैं अपना घर। पर लेकिन भाजपा के नेता जो है सम्राट चौधरी वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो भाई हमने लोगों ने कहा था कि 9 अनुसूची में शामिल किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार थी, आज भी है, क्यों नहीं उनको 9 अनुसूची में लाने का काम किया जाता है। 9 अनुसूची में ले आइए, फिर आपको कोर्ट जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, 9 अनुसूची में ले आइए। अगर बिहार सरकार नहीं गई सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग जाएंगे? हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। आपके नेता तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो एक कानूनी कार्य होगा, लेकिन हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, सड़क पर। ये नीट परीक्षा में जो धांधली हुई उसके बाद आप लोग पे आरोप लगाया जा रहा है, आप लोग सम्राट चौधरी पे आरोप लगा रहे हैं। भाई मेरा सीधा कहना है कि 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है, आप इसकी CBI क्यों नहीं जांच कराना चाहते हैं, और फिर आप पूरे एग्जाम को आप कैंसिल कीजिए, क्यों लोगों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं आप, करिए जाँच होगा, जाँच में जो भी आएंगे वो बचेंगे नहीं। तेजस्वी यादव के PS का नाम सामने आ रहा है प्रीतम, भाई आप किसी का नाम दे दीजिए, जांच आया है, साक्ष्य देंगे, साक्ष्य दें, CBI को दें, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सब कुछ उनका, और वो आरोप लगा रहे हैं, जांच कराएंगे किससे, जांच कराएंगे खुद हो, जब सब कुछ संस्थाएं तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, तो आप कार्रवाई करो अगर है साक्ष्य आपके पास तो। ये तो सिर्फ जिस लोग संलग्न है सही रूप में उन लोगों को बचाने के लिए, और पूरे ये धर्मेंद्र प्रधान को और भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग को बचाने के लिए, और करोड़ों करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए हैं उसको छिपाने का काम किया जा रहा है। घोटाले तो आप लोग करते हैं JDU भाजपा? हाँ हम लोग घोटाला करते हैं, हम लोग घोटाला करते ही हैं, हम लोग घोटाला करते हैं, जनता के सवालों को लेकर करके लड़ाई लड़ते हैं, ये है हमारा सबसे बड़ा सवाल घोटाले पे। मतलब तेजस्वी यादव अब फिर से यात्रा पे निकलने वाले हैं, आभार यात्रा कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, पार्टी अपना कार्यक्रम घोषणा करेगी उसमें सारी चीज़ आपको सामने आ जाएगा। जनता के बीच जाने वाले, जनता के बीच हम लोग बराबर रहते हैं, जनता के बीच रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, जब सरकार में रहते हैं तब भी जनता के बीच में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं तब भी जनता के बीच में रहते हैं। राजद के द्वारा एक फोटो वायरल किया जा रहा था सम्राट चौधरी का, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे चीज़ों का जांच हो जाए, सारे चीज़ों का जांच हो जाए, और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनको बख्शा नहीं जाए। CBI से क्यों नहीं जांच करा लेती है? CBI तो उनका सबसे विश्वसनीय संस्था है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, तो उनसे जांच करा ले। शिक्षा मंत्री मान नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, अब हुआ है कि नहीं हुआ है उनको सब कुछ सामने आ रहा है, अब तो पढ़ते दर पढ़ते खुल रही है, जब पढ़ते दर पर खुल रही है तो वो अपने बयान भी बदल रहे हैं प्रतिदिन, तो इससे साफ जाहिर है कि उनकी संलग्नता है कि नहीं है ये तो जनता समझ चुकी है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, कभी BPSC का पेपर लीक हो जाता है सर, भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ जा रही है वहाँ पेपर लीक होते रहे। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में शुरुआत हुआ था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जब BJP की सरकार हुई है तो ये हो रहा है, तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ ये सब काम होता है। बिहार में जब पेपर लीक हुआ तो आरोप तेजस्वी यादव के PS पर, अब आरोप किसी पर लगा दें उससे नहीं ना होता है, आप सरकार हैं, अगर आपको लगता है कि साक्ष्य है तो आप गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, है हिम्मत आप में,
मैं चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो ले जाएं, गिरफ्तार करें, दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, की जाएगी। अब भविष्य बच्चों का अंधकार किया गया और की जाएगी, अंतर है। करो ना भाई, अगर रियल में अगर दोषी हैं तो पकड़ो, जेल भेजो, सजा दिलाओ, तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। सिर्फ असली बातों से लोगों को चेंज कर कर करके मुद्दे से भटका रहे हैं। भटकाओ का है ये सारा चीज़, भटकाओ का है। चलिए हमारे साथ श्याम रजक जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।